हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19th से लेके 25th ऑफ नवंबर तक के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज हम लोगों ने पढ़ी थी उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग वीकली करंट अफेयर करने वाले हैं। एज ऑलवेज संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर करते हैं, तो आज भी हम वही करने वाले हैं। 19th से लेके 25th ऑफ नवंबर तक हमने जितनी भी न्यूज पढ़ी है उसको हम आज के सेशन में रिवाइज करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे की, कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो लक्ष्य नहीं। कभी कभी होता है ना कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करते हैं और वो चीज हमें नहीं मिलती है, और एट द पॉइंट ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसके रिजल्ट में हम क्या करते हैं कि चलो ये चीज हमें नहीं मिलेगा, अब हम कुछ और ट्राई करते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, है ना। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता मिलता है, बट उसको आपको ढूंढना पड़ता है। तो कभी भी अगर लाइफ में ऐसा हो कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता बंद हो गया, मतलब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस टेक्निक से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें मतलब आपके फेवर में रिजल्ट नहीं दे रही है, तो आप क्या करिए, अपने तरीके को बदलिए, मतलब अपना रास्ता बदलिए। रास्ता बदलने का मतलब ये है कि आप अपने तरीके को बदलिए, चेंज करिए। जो आप कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, जो एफर्ट कर रहे हैं वहां पर कुछ कमी है, एनालाइज करिए कहाँ पर कमी है और अपने उस तरीके को थोड़ा बदल दीजिए। तो कभी भी अगर रास्ता बंद हो जाए, कभी ऐसा हो कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अपनी ड्रीम को मत बदलिए कि चलो ये मुझे नहीं मिल रहा है, अब हम अपना लक्ष्य बदल देते हैं। मुझे बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करना था, बैंक नहीं क्वालिफाई हो रहा है, अब हम SSC का एग्जाम देंगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर बैंक टारगेट है तो बैंक क्वालिफाई करना है, SSC टारगेट है तो SSC क्वालिफाई करना है, बट उसके लिए आपको एग्जाम नहीं चेंज करना है। आपको चेंज क्या करना है, आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कभी भी अपने एम को मत भूलिए। अगर नहीं मिल रहा है सफलता, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करिए, देखिए कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। ओके, सो इसे पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस और टॉप विनर की। तो एज ऑलवेज आपको पता है संडे को आप सभी लोग चैंपियन होते हैं और विनर होते हैं। तो जितने भी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था कल की क्लास में और जितने भी लोग डेली क्लास में आते हैं, बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, तो जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो डेली क्लास अटेंड करते हैं वो सभी हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर है। और अब विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच प्लेस हैज बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एशिया इन 2024 बाय लंदन बेस्ड लग्जरी ट्रेवल मैगजीन कॉन्डे नास्ट। आपको बताना है कि लंदन स्थित लग्जरी ट्रेवल पत्रिका कॉन्डे नास्ट द्वारा 2024 में एशिया में घूमने के लिए किस स्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कोची, मैसूरू, गैंगटॉक, कोयम्बटूर, श्रीनगर। वेरी वेल डन एवरीवन, सो कोची इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नवंबर 2023 विच बैंक हैज लॉन्च यूपीआई लाइट टू पावर स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया। आपको बताना है जो स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए अभी रिसेंटली नवंबर में कौन से बैंक ने यूपीआई लाइट को लॉन्च किया है। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेडरल बैंक। नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक जापान एंड जर्मनी टू इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय विच ईयर। आपको बताना है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के अकॉर्डिंगली इंडिया कौन से ईयर तक जापान और जर्मनी को ओवरटेक करके ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2025, 26, 27, 28 या फिर 29? ओके, वेरी गुड, 2027 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड ऑन रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया द प्रोविंस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन। प्रांत की सर्वोच्च मान्यता ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया प्राप्त करने पर किसने आभार व्यक्त किया? रियान रेनॉल्ड्स, ब्लेक लिवली, जेफ रेनॉल्ड्स, रियान गोसलिंग, रॉब मैकेलनी। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, सो रियान रेनॉल्ड्स इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज वेयर इज द 9th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज मित्र शक्ति टेकिंग प्लेस। पहले तो आपको ये बताना है कि कहाँ पर ये कंडक्ट कराया गया, 9th एडिशन है। दूसरा आपको बताना है कि जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट कराया जाता है ये भी आपको बताना है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? ओके, पुणे इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुणे। नेक्स्ट वन इज हु रिसेंटली अचीव द ग्राउंड ब्रेकिंग फीट ऑफ स्काई डाइविंग नियर माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 21,500 फीट। सो हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के पास स्काई डाइविंग की अभूतपूर्व उपलब्धि किसने हासिल की? राधा कपूर, शीतल महाजन, मीरा शर्मा, नेहा पटेल, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, शीतल महाजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु इज सेट टू होस्ट द 96th एकेडमी अवार्ड इन 2024 फॉर द फोर्थ टाइम। चौथी बार 2024 में 96th एकेडमी अवार्ड कौन होस्ट करेगा? एलन डी जेनरिस, स्टेफिन कॉलबर्ट, जिमी फैलन, जिमी किमल, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? 2024 में जो 96th एकेडमी अवार्ड है इसको फोर्थ टाइम कौन होस्ट करेगा? ओके, वेरी गुड, जिमी फैलन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज यूनियन फिशरीज मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला हैज इनॉग्रेटेड द 2-डे ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 इन विच सिटी? यूनियन फिशरीज मिनिस्टर, मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कहां पर 2 दिन का ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई। ओके, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच वॉज द ओपनिंग फिल्म एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये जो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया और ओपनिंग फिल्म कौन सी है? ओके, कैचिंग डस्ट ये क्या है? ये ओपनिंग फिल्म है। और अगर हम क्लोजिंग फिल्म की बात करें तो कौन सी है? क्लोजिंग फिल्म की अगर हम बात करें तो वो है फेदरवेट। ठीक है, फेदरवेट क्या है? ये इसका क्लोजिंग फिल्म है। ठीक है, चलिए, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? गोवा में। नेक्स्ट वन इज द सी बकथॉर्न ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली गॉट इट्स जीआई टैग। आपको बताना है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सी बकथॉर्न को हाल ही में जीआई टैग मिला है? गुजरात, केरला, ओडिशा, लद्दाख, पुडुचेरी। ओके, लद्दाख इज द राइट आंसर। मुझे ये बताइए रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट के सैफरॉन को जीआई टैग मिला है? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट के सैफरॉन को जीआई टैग मिला है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कौन से स्टेट के बेरी नाग टी को जीआई टैग मिला है? कौन से स्टेट के बेरी नाग टी को जीआई टैग मिला है? दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वन इज तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन हैज वन द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर विच नॉवेल। आपको बताना है जो तमिल राइटर हैं, तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन जी, इनको कौन से नॉवेल के लिए जेसीबी प्राइज से सम्मानित किया गया? इनग्लोरियस एम्पायर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, फायर बर्ड, वाई आई एम अ हिंदू। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, फायर बर्ड इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फायर बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेनिस पेल्सियस हैज बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2023 मार्किंग हर कंट्रीज फर्स्ट विन एट द इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट। सीज फ्रॉम विच कंट्री? शेनिस पेल्सियस को 2023 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? इक्वाडोर, पैराग्वे, निकारागुआ, पनामा, एल सेल्वाडोर। क्या होगा आंसर? ओके, वेरी गुड, निकारागुआ इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? निकारागुआ। नेक्स्ट वन इज इंडियन स्टार बैटर विराट कोहली हैज बीन अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल इन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 फॉर हिज एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस। कोहली स्कोर्ड अ टोटल ऑफ हाउ मेनी रन इन वर्ल्ड कप 2023? वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली ने टोटल कितने रन बनाए? 747, 765, 797, 7 मतलब 777, 757। क्या होगा आंसर?
ओके 765 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड द हेलो नारियल प्लांट्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर फैसिलिटी. किस संगठन ने हाल ही में हेलो नारियल प्लांट्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा शुरू की. कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चर प्रमोशन बोर्ड, हॉर्टिकल्चर एनहांसमेंट काउंसिल, प्लांटेशन रिसोर्स अथॉरिटी, नन ऑफ दीज. इसका आंसर क्या होगा? ओके कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ वेसल लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट बाय द इंडियन नेवी. आपको बताना है जो फोर्थ वेसल लॉन्च किया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का पार्ट के फॉर्म में इंडियन नेवी के द्वारा, उसका नाम क्या है? ट्राइडेंट, पोजिडॉन, नेपच्यून, अमिनी, नन ऑफ दीज. वेरी गुड, अमिनी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कंपेन टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट. जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कंपेन को लॉन्च किया है? यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. आंसर क्या होगा? यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. ओके वेरी गुड, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड अ 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालय एंड 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय इन विच स्टेट. धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहाँ पर 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का इनॉग्रेशन किया, मतलब उसको लॉन्च किया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला. आंसर क्या होगा? ओके ओडिशा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग विद अ टोटल वैल्यूएशन ऑफ 195.75 बिलियन डॉलर. आपको बताना है कि 195.75 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितनी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके थर्ड इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफिसर ऑफ सीईओ ऑफ ओपन एआई. आपको बताना है कि ओपन एआई का इंटरिम सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? जेसिका लिविंगस्टोन, जेसिका मीरा, शिवान जिलिस, मीरा मुराती, नन ऑफ दीज. एक्चुअली ये जो न्यूज है ना, ये अभी भी न्यूज में चल रहा है. अभी बताया, मतलब न्यूज में आया था कि मीरा मुराती को हो सकता है कि सीईओ अब ना बनाया जाए, क्योंकि जो पहले सीईओ थे उनको अब वापस लाया जा रहा है. पहले न्यूज आई थी कि उनको माइक्रोसॉफ्ट हायर कर रहा है ना, फिर बाद में न्यूज आई कि अब वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं, ओपन एआई के साथ ही क्या करेंगे, कॉन्टिन्यू करेंगे. तो अभी फिलहाल क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए बनी है, तो अभी आपको ये याद करना पड़ेगा. बाकी ये न्यूज अभी आपकी कॉन्टिन्यूअसली चल रही है, इस पर अभी फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो फिलहाल के लिए हम इसको याद करेंगे. ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीरा मुराती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बैग दी दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर. पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? अंशिका सिंह, दीप्ति बाबूदा, वसुधा गुप्ता, रिंकी त्यागी, पारुल गोयल. इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, दीप्ति बाबूता इज द राइट आंसर. इसका करेक्ट आंसर क्या है? दीप्ति बाबूता. विच स्टेट हैज वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर द इनलैंड फिशरीज एट द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस. आपको बताना है वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में अंतरदेशीय मत्स्य पालन के लिए किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड. ओके यूपी इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूपी. व्हेन इज वीमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑब्जर्व ग्लोबली. आपको बताना है जो वीमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर या फिर नन ऑफ दीज. ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 19 नवंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हू वर जॉइंटली अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस फॉर द ईयर 2022. 2022 के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? WHO एंड रेड क्रॉस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
यूनाइटेड नेशन एंड डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज, इन द 2023 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विच कंट्री इलेक्टेड जेवियर मिली एज इट्स प्रेसिडेंट। आपको बताना है कि जो जेवियर माइली हैं, ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? यूएस, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, नन ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड, अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ऑन विच डेट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शेड्यूल्ड टू कॉन्फर द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। आपको बताना है AFMC को प्रेसिडेंट्स कलर कब प्रोवाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 1 दिसंबर, 21 नवंबर, 2 दिसंबर, 22 नवंबर, नन ऑफ दीज। ओके, 1 दिसंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु विल सर्व एज द हेड ऑफ द 5-member जूरी फॉर द बेस्ट वेब सीरीज OTT अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बेला सेगल, संजय लीला भंसाली, विधु विनोद चोपड़ा, अनुपम चोपड़ा, राजकुमार हिरानी। आंसर क्या होगा? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के लिए 5-सदस्यीय जूरी के प्रमुख के रूप में कौन काम करेगा? वेरी गुड, राजकुमार हिरानी इज द राइट आंसर। According to data from a startup data platform Traxen, which city has topped in women led startup? वो कौन सी सिटी है जहां पर women led startup सबसे ज्यादा है? कितने हैं आपको ये बताना है और टॉप थ्री का नाम बताना है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट तो यहाँ पर पता है बेंगलुरु है, सेकेंड और थर्ड पर कौन है? जल्दी से बताइए, फर्स्ट पर बेंगलुरु है, सेकेंड और थर्ड पर कौन है? क्विकली एवरीवन। नेक्स्ट वन इज, विच बैंक हैज इंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट टाइप विद HDFC लाइफ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। आपको बताना है कौन से बैंक ने HDFC लाइफ के साथ टाइप किया है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, बैंक इंश्योरेंस साइन किया गया है, क्योंकि एक बैंक है और एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो कौन से बैंक ने HDFC लाइफ के साथ टाइप किया है? साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटका बैंक, करुण वैश्य बैंक। वेरी गुड, कर्नाटका बैंक इज द राइट आंसर। इन नवंबर 2023 लूक फ्रेटन वाज स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। व्हाट इज द करेंसी ऑफ लग्जमबर्ग? आपको बताना है कि नवंबर 2023 में लूक फ्रेटन ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। लग्जमबर्ग की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? यूरो, डॉलर, क्रोना, फ्रैंक, सोमोनी। ओके, यूरो इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूरो। नेक्स्ट वन इज, विनय एम टोन्से हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए विनय एम टोन्से को कौन से बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, कैनरा बैंक। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। Who has been appointed by Echo as its brand ambassador? आपको बताना है रिसेंटली एको ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? आयुष्मान खुराना, आर माधवन, पंकज त्रिपाठी, महेंद्र सिंह धोनी, राजकुमार राव। ओके, वेरी गुड, आर माधवन इज द राइट आंसर। राजकुमार राव, आप लोगों को पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया है। MS धोनी जी की बात करें तो अभी रिसेंटली इनको लेज का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। Who has won the Formula One Las Vegas Grand Prix 2023? Formula One Las Vegas Grand Prix 2023 किसने जीता? Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Perez। इसका आंसर तो पता रहता है ना, Max Verstappen। Next question is, which edition of the Indo-US Joint Special Force Exercise Vajra Prahar commenced at the Joint Training Node Umroy? आपको बताना है उमरोय मेघालय में वज्र प्रहार 2023 जो एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, इस बार इसका कौन सा एडिशन कंडक्ट कराया गया? ओके, वेरी गुड, 14th इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोगों ने कल की क्लास में सूर्य किरण के बारे में पढ़ा था, है ना, जो एक्सरसाइज सूर्य किरण है जिसका इस बार 17th एडिशन है। ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट कराया जाता है, बताइए। वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? जो विश्व टेलीविजन दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 नवंबर, 20 नवंबर, 19 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर। क्या होगा आंसर?
ओके वेरी गुड, 21 नवंबर इज द राइट आंसर। दाई साको इकेजा पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 95। ही वॉज द फॉर्मर हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। दाई साको इकेजा, जिनका हाल ही में 95 ईयर की एज में देहांत हो गया, वह किस संगठन के पूर्व प्रमुख थे? यूनिफिकेशन चर्च, हैप्पी साइंस, केंशोकाई, सोका गाकाई, हॉर्मोन जी। ओके वेरी गुड, सोका गाकाई इज द राइट आंसर। हु वॉज इंडियाज फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हैज रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, उनका नाम क्या है। प्लस आपको ये भी बताना है कि ये कौन सी ईयर में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। मैंने आप लोगों को याद करवाया था, पूरी इनकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी। तो ये कौन सी ईयर में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, ये भी आपको बताना है। जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस फातिमा बीवी, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, नन ऑफ दीज। ओके, फातिमा बीवी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फातिमा बीवी। कौन सी ईयर में ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, जल्दी बताइए। व्हाट परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस ऑम्बेड्समैन वर डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के दौरान बीमा लोकपाल द्वारा प्राप्त शिकायतों का कितना प्रतिशत निपटान किया गया? 82.28%, 92.28%, 62.28%, 72.28% या फिर 83.28%। सॉरी, ओके, 92.28% इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू इंडिया 2024 आउटलुक फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया इन 2024? 2024 में गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंगली इंडिया का जीडीपी कितना प्रोजेक्ट किया गया है? 6.4%, 6.3%, 6.2%, 6.5% या फिर 6.1%? ओके, 6.3% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड ऑफ पर्थ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 22 नवंबर टू 6 दिसंबर? ऑपरेशन पेसिफिक गार्जियन, एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद 23, ऑपरेशन सदर्न क्रॉस, एक्सरसाइज ब्लू हॉरिजॉन, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद 23 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन द्वारा शुरू किए गए एक त्वरक कार्यक्रम का नाम क्या है? स्टार्टअप वेलोसिटी, इनोवेशन कैटलिस्ट, राइज दैट इज रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, वेंचर प्रोपेल, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, सो रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय कोलकाता नाइट राइडर्स एज देयर न्यू मेंटोर? आपको बताना है कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मेंटोर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, नन ऑफ दीज। ओके, गौतम गंभीर इज द राइट आंसर। द S&P ग्लोबल प्रोजेक्ट्स दैट नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ इंडियन बैंक्स विल डिक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर 23-24? आपको बताना है S&P ग्लोबल के अकॉर्डिंगली 23-24 में इंडियन बैंक का जो NPA है वो कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाएगा? 4.5%, 3.5%, 2.5%, 5.5% या फिर 2.9%? ओके, 4.5%। एस वेंकट रमनन, अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI पास्ड अवे, ही इज RBI स्विच गवर्नर 10th, 11th, 12th, 13th, 18th। RBI के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमनन का निधन हो गया, वो RBI के कौन से नंबर के गवर्नर थे? वेरी गुड, 18th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट कोलेब्रेशन एग्रीमेंट ऑन ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वॉज साइंड बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO। When was the first project agreed upon? 2012, 15, 13, 14, 16। आयुष मंत्रालय और WHO द्वारा पारंपरिक और पूरक चिकित्सा पर परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। पहली परियोजना कब, मतलब जो पहली परियोजना पर सहमति कब हुई थी? ओके वेरी गुड, 2016 इज द राइट आंसर।
स्टेट ओन्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड लॉन्च द 8 ASW शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट, ऑफ विच आमनी इज द बिड शिप। आपको बताना है जो आठ ये मतलब प्रोजेक्ट के अंडर जो आठ ये वेजल बनाए जाएंगे उसमें आमनी जो लॉन्च किया गया है ना, ये कौन से नंबर का है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। द स्टेट ओन्ड GRAC हैज लॉन्च द 8 ASW शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट, ऑफ विच आमनी इज विच नंबर ऑफ शिप। जो आठ शिप इसके अंदर बनाए जाएंगे, लॉन्च किए जाएंगे, उसमें आमनी कौन से नंबर का शिप है? ओके, वेरी गुड, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, वेयर इज द एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 करेंटली बींग हेल्ड? जकार्ता इंडोनेशिया, कुआला लंपुर मलेशिया, बैंकॉक थाईलैंड, मनीला फिलीपींस, नन ऑफ दीज। वेरी वेल डन, जकार्ता इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। हु हैज लॉन्च्ड द न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन बाय ब्रह्म कुमारीज इन संबलपुर, ओडिशा? ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की? राजेश सिंह, द्रौपदी मुर्मू, अनिल शर्मा, अर्जुन पटेल, नन ऑफ दीज। ओके, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इज द राइट आंसर। विच रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द GI टैग फॉर इट्स सैफ्रॉन? गुलमर्ग, किश्तवर, पहलगाम, सोनमर्ग, नन ऑफ दीज। ये तो अभी एक्स्ट्रा में मैंने पूछा था है ना, सो किश्तवर इज द राइट आंसर। हु हैज वन द लास्ट वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल? चार्ल्स लेक्लेयर, सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपेन, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, मैक्स वर्स्टेपेन इज द राइट आंसर। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, नन ऑफ दीज। सूर्य किरण एक्सरसाइज इस बार कौन सा एडिशन है? 17th एडिशन है। किसके बीच में कंडक्ट कराया जाता है? इंडिया और नेपाल के बीच में। हु हैज बिकेम द फोर्थ इंडियन टू बी ऑनर्ड विथ पाकिस्तान हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड? पाकिस्तान का जो हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे सम्मानित होने वाले फोर्थ इंडियन कौन बने हैं? AR रहमान, डॉक्टर शायदना, मुफद्दल, शेफुद्दीन, मोहम्मद हामिद अंसारी, नरेंद्र मोदी, नन ऑफ दीज। ओके, डॉक्टर शायदना, मुफद्दल, शेफुद्दीन इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट द फेमस गोल्ड फिश हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द स्टेट फिश? किस राज्य में प्रसिद्ध गोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश। क्या होगा आंसर? ओके, वेरी गुड, गुजरात इज द राइट आंसर। हु रिसेंटली बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट टू विन द नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल? हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? दीपिका पल्लिकल, जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, सौरभ घोषाल, नन ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड, अनाहत सिंह इज द राइट आंसर। हु रिसेंटली अनाउंस्ड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग सिंह ठाकुर, निर्मला सीतारमन, नन ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड, अनुराग सिंह ठाकुर इज द राइट आंसर। वेयर विल द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड बी प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर 2023? न्यू दिल्ली इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र, गुवाहाटी असम, कोलकाता वेस्ट बंगाल, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, गुवाहाटी असम इज द राइट आंसर। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हु रिसेंटली एज्यूम्ड कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट सक्सीडिंग रियर एडमायरल गुरुचरण सिंह? सो हाल ही में रियर एडमायरल गुरुचरण सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? इसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। बाकी PDF के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेस्ट बुक, या फिर आप इसको स्कैन कर लीजिए, डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है? तो ग्रुप के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन सॉरी PDF के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF वगैरह मिल जाएंगी। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी 11 AM पर IDBI का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो उसमें फिर मिलते हैं आपसे। टिल देन, बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।